रोड में चलते चलते ये ग्राउंड दिख गया मुझे, टर्फ है, नीचे आर्टिफिशियल ग्रास है। तो अब आके देखूंगा एक दिन किस तरह से ये बना हुआ है। नेट है पूरा, ऊपर नेट है और इस कॉलोसोम की जो ये बाउंड्री है इसके ठीक पीछे है। तो मज़ेदार है बिल्कुल, देखो बढ़िया है। ग्रास थोड़ा सा लेंथ मुझे लग रहा है कि हमारे लिए ब्लाइंड फुटबॉल के, उससे मैं तो इसीलिए देखने के लिए आया था। और बड़ा दो कलर्स में है, एक पूरा डार्क ग्रीन है और एक पैरेट ग्रीन, बड़ा प्यारा लग रहा है। और चारों तरफ से केज है, बहुत अच्छा बना। फ्लड भी है यानी कि लाइट्स भी हैं, देखो लाइट चारों तरफ से लाइट है, ये जो ऊपर दिख रही है लाइट्स है और चारों तरफ से है लाइट्स, तो बड़ा अच्छा है। और इन्फिनिटी किक्स, डेकाथलन किप्स्टा, अच्छा स्पोर्ट्स पार्टनर है ये डेकाथलन किप्स्टा। ये रहा यहाँ पर, इसका कैसे है क्या है ये देखना पड़ेगा किस तरह का। तो खेलने के लिए ना जगह अब बनने लगी देहरादून में भी इस तरह का। तो पहला ग्राउंड दिखा मुझे ये हमारी लोकेलिटी में यानी कि NIPBD के बिल्कुल नज़दीक में, ये पहला है। अब आकर किसी दिन देखना पड़ेगा। और बॉल क्योंकि ग्रास की लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है मुझे हमारे उससे, तो एक दिन आगे देखना पड़ेगा कि बॉल कितना इसमें ट्रैवल करती है क्योंकि लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है ग्रास जो है। लेकिन फ़िलहाल मज़ेदार ग्राउंड और आराम से आके खेल सकते हैं, बड़ा अच्छा है। चलिए आते हैं फिर किसी दिन। फिलहाल ये रहा, जिसको भी अगर कांटेक्ट करना है तो नंबर भी दे रखा है, दो नंबर्स दे रखे हैं वहाँ पर। यह है यानी बॉल क्रिकेट दोनों दिखा रखा है, यानी कि जो बॉक्स क्रिकेट बोलते हैं हम वो भी है और साथ में फुटबॉल भी है। चलिए नज़दीक में कुछ तो अच्छा बना, नहीं तो हर जगह वही कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा था। ये एक जगह है जो बहुत अच्छा बना केनाल रोड पर, ये सामने है केनाल रोड। और जैसे ही येलो बोर्ड मिलेगा आपको, सामने लिखा हुआ है सहजधारा और उसके बिल्कुल अपोजिट में ये केनाल रोड है, वहाँ से अंदर जाते ही ये आगे यहाँ पर।